अरे बच्चों, आज हम सूरदास के पद, इसमें पहला पद देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा। तीनों पदों की मैं आपको आज व्याख्या बता रही हूँ। तो जसोदा हरि पाल ने झुलावे इस पद की व्याख्या कर दिया है, यानी जब उनका बचपन था उसके बारे में उन्होंने बताया है। श्री कृष्ण को पालने में रखकर वे कभी हिलाती हैं, कभी पालने में पड़े श्री कृष्ण को प्यार करती हैं, तो कभी उन्हें लोरियां सुनाती हैं। हलरावे दुलरावे यानी कभी हिलाती हैं, कभी दुलार करती हैं। जोई जोई कछु गावे यानी जो उनके मन में आता है, कभी कुछ गाती हैं, कभी कुछ गाती हैं, और ये कह करके उन्हें लोरियां सुनाती हैं ताकि बच्चा जो है वो सो जाए। मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ने आनी सुआवे, कहती है कि मेरे बालक को नींद नहीं आ रही है, आकर के सुलाती क्यों नहीं हो। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू हधर फरकावे, कभी तो वो पलक मूंद लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, और कभी कुछ बुदबुदाते हैं। सोबत जानी मोन हवे के रही करी करी सहन बतावे, जब उन्हें लगता है कि कान्हा सो गए हैं तो वो चुप हो जाती हैं और इशारों से चुप रहने को कहती हैं ताकि कोई उनकी नींद को डिस्टर्ब ना कर दे। इन्हीं अंतरे अकुलाई उठाई हरी जसुमती मधुरई गावे, और तभी श्री कृष्ण उठ जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, तो फिर उन्हें मैया गा गा कर सुलाती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सोनंद भामिनी पावे, सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो इस तरह की बाल लीलाओं का सुख है, माता को जो बाल लीलाओं का सुख देखने को मिल रहा है, नंद भामिनी यानी नंद बाबा की पत्नी जो है उन्हें यह सुख मिल रहा है, जो अमर मुनि दुर्लभ यानी बहुत दुर्लभता से मिलता है, सिद्ध मुनियों को भी दुर्लभ होता है, उन्हें भी नहीं मिलता है, वह सुख यहाँ पर माता को मिल रहा है। दूसरा पद है खीजत जात माखत खात, कहते हैं कि यशोदा जी भगवान जी को माखन खिला रही हैं। अरुण लोचन भों टेढ़ी बार बार जम भात, कृष्ण जी चिढ़ते हैं, मचलते हैं और माखन खा रहे हैं क्योंकि उन्हें नींद आ रही है। कबहू रुंझुन चलते घुटरुनी धूरी धूसर घात, और कभी घुटनों के बल चल रहे हैं और घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों में घुंघरू झनझन झनझन बजने लगते हैं और उनके पूरे शरीर पर मिट्टी सन गई है, धूली धूसर यानी मिट्टी से सना हुआ। कबहू झुकी गई अलग खींच नैने जल भरे जात, और कभी वे झुककर गुस्से से अपने ही बाल खींचते हैं और जिससे उनके आँखों में जो है पानी आ जाता है। कबहू तोतर बोले बोलत कबहू बोलत तात, कभी तोतली तोतली भाषा में कुछ बोल रहे हैं और कभी तात को यानी अपने पिताजी को बुलाते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा कुछ बोलता रहता है फिर अचानक पापा या मम्मी को बुलाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को बुलाते हैं। सूर्य हरि की निरखी शोभा निमिष तजत ना मात, यह देख करके माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं से मुग्ध हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं और एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहती हैं। तीसरा पद है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, कहता है कृष्णा, कहता है कि हे माता, मुझे तो चांद जो है वो खिलौने के रूप में चाहिए। जे हों लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद न एहो, कहते हैं कि चांद नहीं मिला तो वे सफ़ेद गाय का दूध नहीं पिएंगे और अपनी चोटी भी नहीं बंधवाएंगे। सुरभि को पै पान न करियो बेनी सिर ना गोहें, यानी चोटी नहीं गुंथवाएंगे। है हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहो, आके आओ बात सुनी मेरी बल देवी ने जनयो, कहते हैं कि यही नहीं, वे कहते हैं कि ना मोतियों की माला गले में डालेंगे, ना वस्त्र पहनेंगे, माँ की गोद में भी नहीं आएंगे और धूल में लौट जाएंगे। हंसी समझावती कहती जसोमती नई दुल्हैया देह,
तेरी सौ मेरी सुन मैया अबहि बिहान जहो सूरदास वे सखा बराती गीत सुमंगल गहो। फिर उन्हें यशोदा मनाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं और कहती हैं कि कृष्ण के लिए चांद से भी सुंदर दुल्हनियाँ लाएंगी और यह बात बलराम को पता नहीं चलनी चाहिए। अपने विवाह की बात सुन करके कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वे माँ को सौगंध देकर कहते हैं कि जल्दी से उनकी शादी करा दी जाए। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के ब्याह में उनके इष्ट मित्र बाराती के रूप में जाएंगे और सारे मिलकर के मंगल गीत गाएंगे। इस प्रकार से कवि ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही मनोहारी वर्णन इस पद में किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाए। और अगर इस पार्ट से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।